नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। हिसार के मिलगेट एरिया में इन दोनों बदमाशों का आतंक छाया हुआ है। मिलगेट में मोटरसाइकिल पर आए दो तीन युवकों ने तीन चार गाड़ियों के शीशों पर ईंटों से कहर बरपाया। लोगों ने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन की और सीसीटीवी के फुटेज हासिल किए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन युवकों की पहचान करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि रात को 12 बजे घटना को अंजाम दिया गया। तीन बदमाश युवक बाइक पर आए थे और तीन चार गाड़ियों के शीशे तोड़कर फरार हो गए। ये युवक फुटेज में ईंटों से शीशे तोड़ते साफ दिखाई दे रहे हैं। एचटीएम थाने से जांच अधिकारी जयवीर सिंह ने बताया कि मिलगेट में तीन चार गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना सामने आई है। फुटेज में कुछ युवक गाड़ियों पर ईंट बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान कर ली गई है। थाने में शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिन युवकों की पहचान की गई वे नशे का सेवन करते हैं। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 1/3/2021 की रात को मेरे पास कंट्रोल रूम से एक वीटी प्राप्त हुई कि श्रीनगर कॉलोनी मिर्जापुर रोड पे अज्ञात बच्चों द्वारा एक गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। जो सूचना पाकर मैं मौके पे गया, मैंने वहां देखा तो गाड़ी के जो है ना शीशे, फ्रंट का शीशा और साइड के शीशे टूटे हुए थे। उसी आधार पर जो है ना पास में मालिक के घर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उस फुटेज को चेक किया गया तो उसमें तीन बाइक सवार जिन्होंने हाथ में पत्थर लिए हुए थे, जिन्होंने गाड़ी को पत्थर मार के जो है ना शीशे तोड़े हैं। आधार पर हमने तीन लड़कों की शिनाख्त कर ली है, जिसमें एक लड़के का नाम आलोक, एक का नाम पवन और एक का नाम राहुल है, जिनको हमने यहाँ थाना में बुलाया था दोनों पार्टियों को। दोनों पार्टियां दो दिन का समय लेके गई हैं। आरोपी जो हैं वो उसी कॉलोनी के रहने वाले बच्चे हैं, जो उन्होंने नशे की हालत में जो है ना ये काम कर दिया था। तीन गाड़ियों के शीशे टूटने की दरखास्त थाने में प्राप्त हुई थी। उस संबंध में मैंने उनकी रिपोर्ट 427 आईपीसी के तहत लिख के उनको दे दी। गिरफ्तारी के लिए अभी उनको दोनों पक्ष जो है ना दो दिन का टाइम लेके गए हैं। बाकी उनको 427 आईपीसी की रिपोर्ट लिख के दे दी गई है, वो अपने कोर्ट में जो है ना प्रोसीजर चालू कर सकते हैं। इसके संबंध में ये बातें सामने आई हैं कि वो थोड़ा नशा वगैरह करते हैं और उन्होंने शराब का नशा किया हुआ था। शराब के नशे में जो है ना उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उन्होंने जो है ना पत्थर मार के गाड़ियों के शीशे तोड़े। अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई घटना और इसके अलावा कोई घटना हमारे पास सामने नहीं आई इस दौरान।